नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक्स एजुकेशन में। दोस्तों आज हम बात करेंगे स्वॉर्डेड्स कॉमर्शियल लिमिटेड, क्या इस कंपनी को बाई करना चाहिए या फिर जो लोग भी इस कंपनी में ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं उनके लिए स्टॉप लॉस क्या हो सकता है। यह कंपनी अभी जो कि इतना तेज़ी के साथ गिर रहा है, कंपनी कहां पर सपोर्ट लेगा और अगेन बाउंस बैक करेगा, सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, कोई भी पार्ट मिस न करें। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। तो देखते हैं इस कंपनी के डिटेल को। अगर इस कंपनी के हम बात करें फंडामेंटल के, तो फंडामेंटल इस कंपनी का एवरेज टू हाई की कैटेगरी में आपको देखने को मिल जाएगा। वहीं अगर इस कंपनी के लॉन्ग टर्म के चार्ट में हम डिटेल देखें तो इस कंपनी का जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल आपको देखने को मिलेगा वो 82 पैसे के पास का देखने को मिल जाएगा, यानी इस कंपनी के 50 DMA के पास में। अगर यह कंपनी इस लेवल को ब्रेक करके इसके नीचे आ जाता है तो फिर हमें क्या करना चाहिए। तो दोस्तों उसके बाद इस कंपनी का जो लास्ट सपोर्ट लेवल था वो इस कंपनी का अगला सपोर्ट लेवल भी बनता हुआ दिख जाएगा, जो कि 70 पैसे के पास का डिटेल बनता है। दोस्तों जो लोग भी इस कंपनी में ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं वो चाहें तो 70 पैसे के पास अपना स्टॉप लॉस लगाएं। अगर यह कंपनी निकलने का मौका देता है और यह कंपनी इस लेवल को ब्रेक करके इसके नीचे जाता है तो मेरे ख्याल से आपको तुरंत निकल जाना चाहिए। अगर यह कंपनी इससे पहले ही सपोर्ट लेकर बाउंस बैक करता है तो बने रहें, क्योंकि उसके बाद इस कंपनी में काफ़ी बड़ी ग्रोथ आपको देखने को मिल जाएगा। जो लोग इस कंपनी को बाई करना चाहते हैं वो चाहें तो 70 पैसे के पास पहला इंस्टॉलमेंट लगाकर बाई कर सकते हैं, या फिर इस कंपनी का सपोर्ट लेवल बन जाने दें उसके बाद बाई करें, क्योंकि कंपनी जब तक गिरता रहेगा तब तक यह कंपनी आपको नीचे प्राइस पे मिल जाएगा। तो इसीलिए खरीदारी की जल्दबाजी न करें। इस कंपनी के अगर RSI की बात करें तो 50 के पास चल रहा है, यानी कि 45 से लेकर 50 के बीच में इस कंपनी का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। कंपनी जब तक इस RSI के बीच में है तब तक इस कंपनी में थोड़ा सा आपको रिलैक्सिंग मिल जाएगा, लेकिन कंपनी अगर इसको ब्रेक करके इसके नीचे जाता है तो आपको निकलने में ही भलाई है, क्योंकि उसके बाद यह कंपनी 25 के RSI तक जाने की कोशिश करेगा। इसीलिए थोड़ा सा अवेयर रहें, बिल्कुल भी लापरवाही न करें। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। Thank you for watching this video.